चलिए तो आज हम करेंगे रियलमी 6 प्रो की अनबॉक्सिंग। ये वीडियो भी मैंने टेक्निकल गुरु जी वीडियो से कॉपी किया हुआ है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा सकूँ। आप बॉक्स को अच्छी तरह देख सकते हैं, बॉक्स के पीछे हमें कुछ हाईलाइट मिल जाते हैं, जैसे कि बॉक्स के हमें फ़ोन के अंदर मिल सकता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा, इन डिस्प्ले कैमरा भी कह सकते हैं, 30 वाट फास्ट चार्जिंग विथ 4300 mAh बैटरी एंड स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर का सपोर्ट, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चलिए इसकी हम प्राइस की बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 17,999 रुपये, यानी कि कुछ 18,000 रुपये के आसपास। ये रैम वर्ण दो रैम में आता है, 6 GB एंड 8 GB, दोनों के अलग अलग प्राइस है। इसी के साथ इस बॉक्स को करते हैं हम ओपन। ओपन करते हैं हम सबसे पहले जो रियलमी की फैमिली वाला मिलता है कि वेलकम टू रियलमी फैमिली, तो ये है रियलमी फैमिली में ज्वाइनिंग का ऑप्शन। हम हो चुके हैं ज्वाइन रियलमी फैमिली में, अब चलते हैं आगे। आगे हमें कुछ मिल जाते हैं रियलमी की तरफ से, वारंटी कार्ड एंड कुछ गाइडलाइन। ये है प्लास्टिक का केस फ़ोन की थोड़ी सुरक्षा के लिए। ये आता है फ़ोन जिसको हम रखेंगे 2 मिनट के लिए साइड में। इसी के साथ देखते हैं बॉक्स के अंदर और हमें क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले मिलता है हमें 30 वाट वूक चार्जर, ये काफ़ी अच्छा चार्जर है, सॉलिड चार्जर है। इसके साथ हमें मिलते हैं टाइप सी पोर्ट विथ येलो कलर की वो निप्पल के साथ, ये भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये है सिम टे डिजिटल टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार। इसी के साथ फ़ोन को करते हैं पैक। हम फ़ोन का ग्लास पैक वास्ते बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें रियलमी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनाई है। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं अब कुछ ऊपर की तरफ, तो ऊपर हमें मिलता है सेकेंडरी माइक्रोफोन, राइट हैंड साइड 3+2+1 का सपोर्ट यानी ट्रिपल सिम सपोर्ट, नीचे 3.5 mm जैक, टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। इसी के साथ हमें देखने मिलते हैं पीछे की तरफ ग्लास बैक, ये काफ़ी अच्छा लगा यार। रियलमी 6 में ग्लास बैक नहीं था, वरना उसमें होता वो अपनी प्राइस के लिए वैल्यू फॉर मनी होता। ये इसी के पीछे लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, जिसमें कैमरा सेटअप काफ़ी क्लीन है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा। साइड में रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, कैमरे की बात ही बता देता हूँ तो इसमें 64+8+12+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और 20x हाइब्रिड जूम का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है, और 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट हमें इस कैमरे सेटअप में देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ नीचे बात करें रियलमी की ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाती है, जो साइड में दिखाई गई हुई है आपको, काफ़ी अच्छी लग रही है ये भी रियलमी की ब्रांडिंग। अब इसी के साथ बात करते हैं हम फ़ोन के कुछ अंदर वाले स्पेस में, तो डिस्प्ले हमें मिल जाती है इस पर 6.6 इंच की Full HD विथ 90 Hz रिफ्रेश रेट। इसमें बॉडी रेशियो है 90.1 या 90:90.1 का बॉडी रेशियो हमें देखने को मिल जाता है, और 6.6 इंच के Full HD का पैनल हमें देखने को मिल जाता है। ये 90 Hz है जो काफ़ी अच्छी बात है रियलमी की तरफ से, कि इस फ़ोन के अंदर 90 Hz का डिस्प्ले पैनल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं सामने के कैमरे की तरफ, तो सामने हमें मिल जाते हैं फ्रंट में डुअल कैमरा 60+8 मेगापिक्सल का, यह भी काफ़ी अच्छी बात है कि डुअल कैमरा देखने को मिलता है, वो भी डेप्थ सेंसिंग के अलावा 68 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, और 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। इसी के साथ ये है रियलमी UI के बेस है और Android 10 पे चलता है, रियलमी UI 1 वर्जन इसके अंदर हो रहा है रन, और के साथ Snapdragon 720G है। देखते हैं कैसे चलता है ये फ़ोन और मार्केट में कैसे दुबई बचाता है। वैसे ये बात ज़रूर बताना कि लॉकडाउन खोलने के बाद इस फ़ोन को कोई लेना चाहेगा या क्या, पता है लॉकडाउन खोलने के बाद काफ़ी फ़ोन आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें मिल जाती है हमें 4300 mAh की बैटरी विथ 30 वाट फास्ट चार्जर, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, चार्जिंग बहुत स्पीड हो जाएगी जिसको हम चार्ज बहुत ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके कुछ कैमरा सैंपल के बारे में। जी हाँ, मैं आपको कैमरा सैंपल दिखाना चाहूँगा, कुछ काफ़ी मोड मिल जाते हैं इसके अंदर हमें कैमरे के लिए, लेकिन कुछ आपको कैमरा सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको इसके कैमरे की क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पहला कैमरा सैंपल, काफ़ी अलग अलग मोड हमें देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन के अंदर। जूम भी करके दिखा दिया आपको,
चलिए अब देखते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो साइड में देखने को मिलता है ये काफ़ी फास्ट है, लेकिन हैज थोड़ा स्मॉल है, इसी का माइनस पॉइंट ही मुझे ये लगा, और कोई माइनस पॉइंट नहीं है। जिसको टच करने से ये खुल जाता है और इसमें फेस लॉक भी मिल जाता है आराम से, जैसे हम फेस अनलॉक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर चलने वाले ऐप, काफ़ी ऐप है इसके अंदर जो रियलमी देता आ रहा है। पता नहीं ये चाइनीज़ फ़ोन में क्या माइनस पॉइंट है, काफ़ी ऐप देते हैं। जैसे मैंने आपको प्राइस इस फ़ोन में बता दिए, आपको अगर किसी प्रकार का पर्सन हो तो कमेंट ज़रूर कर देना।